ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में देखने को मिला था कि अक्षरा ने अभिनव को कहा था कि अब उन दोनों के बीच में से जी हट जाना चाहिए। वहीं अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अक्षरा के इस फैसले से अभिनव बहुत खुश होता है और वो घर में ही झूमने लगता है। इसके बाद वो अपनी नीलम माँ को भी फोन करके ये बात बताता है। नहीं नहीं अभिनव घर से बाहर निकल जाता है और वो सड़क पर भी लोगों को खुशी के मारे गले लगाने लगता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु अक्षरा की तरफ खुद को जाने से रोक नहीं पा रहा है। वो अक्सु का नाम जुबा पर लिए हुए घर से बाहर निकल जाता है और टफ एक्सरसाइज करने लगता है। इतना ही नहीं वो घर जाकर भी एक सपना देखता है जिसमें वो अक्षरा से अपने प्यार का इजहार करता है। सपने में अक्षरा उससे सवाल करती है कि तुम दर्द और अंधेरे के बीच क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मेरा चैन और दर्द सब कुछ तुम हो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। इसके आगे वो अक्सु से ही सवाल करता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो तो यहाँ पर क्यों आई हो। अभिमन्यु ये भी कहता है कि तुम ही मेरी ज़रूरत हो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा और मैं जीना चाहता हूँ। सो में आगे देखने को मिलेगा कि अक्षरा और अभिनव का अलग अलग बिस्तर सुरेखा देख लेती है और फिर वो दोनों से इसकी वजह भी पूछती है, लेकिन अक्सु उसे अपनी बातों में घुमा कर बाहर ले जाती है। इस दौरान सुरेखा अभिनव को छेड़ना नहीं भूलती और वो कहती है कि एक समय पर अक्षरा के जुबा पर अभिमन्यु अभिमन्यु रहता था, आपको अजीब नहीं लगता।